मंदिर का नाम सुनकर मन में आस्था की जोत जल उठती है। आपने हनुमान, शिव शक्ति और ना जाने कितने देवी देवताओं के अजब अनूठे मंदिर के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। जी हाँ, लेकिन चौंकिए नहीं जनाब, हम अभी आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं। यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर बोड़ाम प्रखंड में है, जिसका नाम है हाथीखेड़ा ठाकुर मंदिर। हाथीखेड़ा इसलिए नाम जो पड़ा, ये जो एरिया है, ये जो भौगोलिक अनुसार जो जगह है, ये दलमा का रेंज पड़ता है, दलमा का आसपास पठार पड़ता है। हाथीखेड़ा ठाकुर मंदिर में किसी देवी देवता नहीं बल्कि हाथियों की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में हाथी की अनेक मूर्तियां हैं। इसके पीछे बड़ी ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि पुराने समय में इस इलाके में हाथियों का भयंकर उत्पात था। दलमा के जंगल से लगे होने के कारण हाथी अक्सर खेत और गाँव में घुस आते थे। हम लोग का पूर्वजों, हम लोग का परिवार यहाँ जो खेती बाड़ी करते थे, दलमा से हाथी और सारी जानवर आके खेती शस्य इत्यादि को उपद्रव करते थे। ये मंदिर का जो एरिया है पूरा ये दलमा क्षेत्र में पड़ता है, पूरा जंगल से घिरा हुआ रहता था। उस समय ये गांव में जो लोग रहता था तो वो लोग का जो फसल वगैरह सब उगाते थे वो हाथी ने नष्ट कर देते थे। ग्रामीणों की परेशानी के निदान के लिए पुजारियों ने मिट्टी से बनी हाथियों की मूर्ति की पूजा शुरू की। इसके बाद हाथियों का आना कम होता गया। बाद में यहाँ मंदिर बनाया गया और नाम रखा गया हाथीखेड़ा, जिसका मतलब है हाथियों को हटाना। ये जो ठाकुर वो हाथी को भगाते थे, खेदते थे, भगाते थे, और वही नाम से ही हाथीखेड़ा ठाकुर नाम से ही आज तक पूजा अर्चना किया जाता है। वही हाथीखेड़ा ठाकुर का नाम से ही जाना जाता है। कालांतर में इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दराज तक पहुंचने लगी है और दूसरे प्रदेश के लोग अपनी मनोकामना लेकर यहां आने लगे। यहां चुनरी और नारियल बांधने के साथ भेड़ की बलि चढ़ाने की परंपरा है। खास बात यह है कि यहाँ का प्रसाद महिलाएं नहीं खा सकती है, यहाँ का प्रसाद घर ले जाना भी मना है। हर मंदिर का एक परंपरा नियम अनुसार चलता है, तो हम लोग का हाथीखेड़ा मंदिर भी वही हम लोग का वंशों जो का अनुसार जो परंपरा नियम बनाया गया है पहले से ही, कि भाई महिला को प्रसादी खाना वर्जित है। हालांकि ये बात किसी को नहीं मालूम कि आखिर महिलाएं इस मंदिर का प्रसाद क्यों नहीं खा सकती है। हाँ, जानते हैं कि महिलाओं को मना है, लेकिन पता नहीं क्यों मना है, वो नहीं पता है। खिला देने से क्या होता, नुकसान होगा? हाँ, कुछ नुकसान होता है कि उसका जैसे कि माइंड सेटअप कुछ मतलब पागली जैसे हो जाता है। हमारी पूर्वजों लोग परंपरा नियम अनुसार ही ये प्रतिबंध लगा हुआ है। हाथीखेड़ा मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। यहाँ कई श्रद्धालु मुंडन संस्कार के लिए भी आते हैं। लोगों की माने तो यहाँ कोई भी मनोकामना सिर्फ मत्था टेकने से ही पूरी हो सकती है। हम लोग का यहाँ पे कोई मन्नत था, इसीलिए साल में एक बार आते हैं। मेरे भैया आते हैं, लेकिन इस बार हम लोग पूरा परिवार आया है। हाथीखेड़ा मंदिर के कारण यहाँ हाथियों का उत्पात कम हुआ है। ये महज एक संयोग हो सकता है, फिर भी यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।